वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका UPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के द्वितीय दिन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में आती हैं। तो भारत में सबसे पहली जो यूरोपीय कंपनी आती है वो पुर्तगाली कंपनी होती है, उसके बाद डच कंपनी भारत में आती है, तत्पश्चात अंग्रेजी कंपनी आती है, फिर डेनिश, फ्रांसीसी और सबसे अंतिम में स्वीडिश कंपनी भारत में आती है। अब ये जो कंपनियां भारत में आती है, ये भारत में क्यों आती है, इनका उद्देश्य क्या होता है, तो इन सब की शुरुआत हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि 1453 ईस्वी में कुस्तनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ये जो तुर्क है, उस्मानिया साम्राज्य होता है, उसने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गया और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। तो इस तथ्य को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो कुस्तनतुनिया की बात करेंगे, देखिए भारत और पश्चिमी देशों के साथ, मतलब जो यूरोपीय क्षेत्र था उसके साथ व्यापार पहले हुआ करता था, मतलब प्राचीन काल से व्यापार हुआ करता था। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये जो व्यापार था ये लैंड रूट से था, मतलब स्थल मार्ग से था। अब 1453 ईस्वी में जब कुस्तनतुनिया पर अधिकार हो जाता है किसका, तुर्कों का, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने या तो टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया जिससे कि व्यापार लाभप्रद नहीं रहा, या तो व्यापार करने के लिए सीधा सीधा मना कर दिया। अब ये कुस्तनतुनिया का क्या रोल है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते। देखिए मान लीजिएगा कि ये यहाँ पर है तुर्की, है ना, ये तुर्की है, ठीक। इसके बाद तुर्की के बाद यहाँ पर है ये यूरोप, ठीक। अब इसके बाद ये बीच में एक जल संधि जिसको बास्पोरस की जल संधि कहते हैं, यहाँ पर काला सागर है और यहाँ पर मरमरा सागर। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछता है कि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सी जल संधि है, बास्पोरस की जल संधि। ये तुर्की है, यहाँ पर है कुस्तनतुनिया, यहाँ पर ये क्षेत्र है। तो देखिए ये ऐसा क्षेत्र है जहां से तुर्की से होकर के यूरोप में एंट्री किया जाता था। अब यहीं पर अधिकार हो जाता है तुर्कों का, मतलब यूरोप में प्रवेश करने का जो सीधा मार्ग था ये तुर्कों के कंट्रोल में आ जाते हैं और ये क्या करते हैं, टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं या तो व्यापार करने के लिए सीधा सीधा मना कर देते हैं। तो अब यहां पर यूरोपीय कंपनियां जो होती है या फिर जो यूरोप का भारत के साथ व्यापार था वो बाधित होने लगता है। अब यूरोप का भारत के साथ व्यापार बाधित होने लगता है तो वो क्या करते हैं कि उन्हें एक नए मार्ग की तलाश की आवश्यकता होती है। अब पुर्तगाली और स्पेन वासी इसमें सबसे पहले आते हैं। अच्छा ये बात करते हैं हम लोग, उन्हें मतलब कारण क्या था भाई कि मतलब ये सबसे पहले सामने है। तो देखिए यहाँ पे बहुत से कारण थे। सबसे पहला कारण जो है गर्म मसाला का व्यापार होता था, है ना, गर्म मसाला का व्यापार हो गया, साथ में जो औषधियों का व्यापार हुआ करता था, कपास का व्यापार हुआ करता था, उनकी पूर्ति हेतु, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना यह भी एक प्रमुख कारण था। और इन सबसे बढ़ करके जो प्रमुख कारण था ये विकसित औद्योगिकी व विज्ञान। उस समय पुर्तगाल और स्पेन में औद्योगिकी विकसित हो चुकी थी, उन्होंने नाव का विकास कर लिया था तो उसका परीक्षण करना चाहते थे। अब इस क्रम में सबसे पहले जो आ गया था, सबसे पहले आ गया था पुर्तगाल। पुर्तगाल में एक नाम याद रखिएगा, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी क्या करते हैं, प्रिंस हेनरी ने नाविक स्कूल की स्थापना कराया था, तो इसको भी याद रखिएगा। नाविक स्कूल की स्थापना किसने करवाया, प्रिंस हेनरी ने करवाया था। साथ में इन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप का नक्शा भी पूरा तैयार करवाया था, ठीक। तो इन्हें हेनरी को प्रिंस हेनरी या फिर सॉरी हेनरी द नेविगेटर या फिर नेविगेटर प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब इन्होंने नक्शा तैयार करवाया तो यहाँ पे बार्थोलोमियो डियास का एक नाम याद रखिएगा प्रिंस हेनरी के बाद। ये 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरिप, उत्तमासा अंतरिप मतलब जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है, जैसे मान के चले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर ये अफ्रीका है तो इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है ना, यहाँ पे क्या होता है जो सबसे साउथ मोस्ट का पॉइंट होता है यहाँ पे बार्थोलोमियो डियास पहुंचते हैं और इसके बाद इसे नाम देते हैं केप ऑफ स्टॉर्म। फिर जब ये यहाँ से पुर्तगाल वापस जाते हैं तो किंग जेम्स होते हैं, जेम्स द्वितीय सॉरी जॉन द्वितीय होते हैं, मैं जेम्स बोल गया माफ कीजिएगा, जॉन द्वितीय होते हैं। ये क्या कहते हैं जो केप ऑफ स्टॉर्म होता है इसको ये गुड केप ऑफ गुड होप्स का नाम देते हैं, ठीक। और आगे बढ़ते देखिए अब यहाँ पर क्या दिया गया कि 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 1494 नहीं 1492 होगा, ठीक। तो 1492 में ये वास्को जो कोलंबस भारत आए थे, इनका इनकी कहानी क्या समझते देखिए, कोलंबस इटली के निवासी थे, तो ये भी याद रखिएगा कोलंबस कहाँ के निवासी थे, इटली के निवासी थे, है ना। इनकी सहायता करती है स्पेन की रानी, स्पेन की रानी का नाम होता है इसाबेल, ये भी याद रखिएगा स्पेन की रानी होती है इसाबेल, इसाबेल इनकी सहायता करती है और ये वहां से निकलते हैं 3 अगस्त 1492
92 में, है ना। ये भारत की खोज करने के लिए वहां से चलते हैं, भारत की खोज करने के लिए चलते हैं, लेकिन वहां से वो क्या होता है कि तूफान के कारण वो पश्चिम में मुड़ जाते हैं, है ना। या फिर ऐसे समझिए कि केनरी आइलैंड होता है जहां से टकराते हैं, और टकरा करके क्या होता है पश्चिम में चले जाते हैं। और 12 अक्टूबर 1492 को ये पहुंच जाते हैं बहामास द्वीप, और वहां पे देखिए जब पहुंचते हैं ना तो उनको लगता है कि हम इंडिया में आ गए, तो लोगों को उन्होंने इंडियन कहा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बनता है कि किस देश के लोगों को इंडियन कहा गया था, तो अमेरिका के लोगों को इंडियन कहा गया था। इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ता है, तो 1501 ईस्वी में एक इटालियन होता है जिसका नाम होता है अमेरिगो वास्पुची, है ना। ये अमेरिगो वास्पुची अमेरिका जाता है और उसी के नाम पे इसका नाम अमेरिका रखा जाता है। तो अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। कोलंबस किस देश का यात्री था, इटली का यात्री था। इसकी सहायता किसने किया था, सहायता किया था स्पेन की रानी इसाबेल ने। 3 अगस्त 1492 ईस्वी को ये निकला था, इसने ना ये 3 जहाज के साथ निकला था। तो जहाज का भी नाम याद रखिएगा, पिंटा, नीना और सेंटा मारिया। तो ये भी कई बार पूछ लेता है, जहाज का नाम था पिंटा, नीना और सेंटा मारिया। ये 3 जहाज लेकर के निकला था सॉरी फ्रेंड्स। और ये 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में केनरी आइलैंड से जब टकराता है तो यहाँ पे पहुंच जाता है बहामास द्वीप, और वहां के लोगों को क्या कहता है, अब इंडियन कहता है। ये पॉइंट याद रखेगा, ठीक। चलिए इसके बाद अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अमेरिका की खोज हो चुकी। अब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमासा अंतरिप का चक्कर काट करके भारत पहुंचने में सफलता पाई सॉरी फ्रेंड्स। तो जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा है, ये 20 मई 1498 डेट एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 20 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरिप से क्या होता है कि भारत में पहुंच जाता है, ठीक। अब इसकी सहायता किया था अब्दुल मनिक ने, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा है कि नहीं, यहाँ पे ये दिया अब्दुल मनिक या अब्दुल मजीद, है ना, ये गुजराती था जो कि इसकी सहायता करता है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे आता कहाँ पर, देखिए भारत के पश्चिम में मालाबार तट की कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात, सूरत, भरोच और कैम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। देखिए जो वास्को डी गामा आता है, वास्को डी गामा कहाँ पर पहुंचता है, ये आता है, ये सबसे पहली बार जो उतरा था ये काली, मतलब यहाँ पे ये कालीकट में आता है ना, ये चीज याद रखिएगा कि इतने 20 मई 1498 को कालीकट के तट पर उतरा था। और इसका जो स्वागत किया था, ये जमोरिन नाम के हिंदू शासक ने किया था, इसको भी याद रखना चाहिए। चलिए अब और आगे बढ़ते थे कि यहाँ पर डेटा दिया भी गया है ना कि यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए, उत्तमासा अंतरिप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कपक डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा पहुंचा। देखिए यहाँ पे 17 मई दिया है, 20 मई का भी कहीं कहीं जिक्र किया रहता है ना। तो ये इस डेट को कहाँ पे आया था, कालीकट के तट पर आया था। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया। देखिए जो अरब व्यापारी थे पहले से ही भारत में व्यापार कर रहे थे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका व्यापार बिगड़े, तो इस वजह से अरब व्यापारियों ने उनका विरोध किया। परंतु जो हिंदू राजा थे जमोरिन, है ना, यहाँ पे देखिए जमोरिन लिखा है, जमोरिन ने उसका स्वागत किया, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक तथ्य कहा जाता है कि जब ये वास्को डी गामा वापस जा रहा था तो अपने साथ गर्म मसाला लेकर गया था, उसमें काली मिर्च भी लेकर गया था, और उससे उसने 60 गुना लाभ प्राप्त किया था, ठीक। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते, तो यहाँ पर दिया गया कि वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद, अच्छा यहाँ पे देखिए जड़ी बूटी वूटी ये बताया गया कि ले गया, फिर उसके बाद निकालने के बाद 60 गुना लाभ प्राप्त होता है ना। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोप व्यापार का केंद्र बन गई, और पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि प्रदान की गई। अब 1500 ईस्वी में क्या होता है, देखिए कैबराल, है ना, यहाँ पे पेट्रा अल्वारेस कैबराल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि दूसरा जो अभियान आया था किसके नेतृत्व में आया था, तो कैबराल के नेतृत्व में आया था। कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमेरून को इसने उपहार स्वरूप गिफ्ट किया था, तो एक अरबी जहाज पकड़ करके उपहार देता है। अब इसके बाद एक चीज यहाँ पे और भी याद रखिएगा कि वास्को डी गामा द्वितीय बार भारत आया था, है ना, कब आया था, तो ये इन्हीं के समय में आया था, मतलब जो कैबराल थे, कैबराल जब भारत में थे तो इनके समय में द्वितीय टाइम में क्या आया था, ये भारत में आया था, ठीक। इसके बाद देखिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 1501 ईस्वी में यहाँ पे देखिए यही चर्चा किया गया, देखिए 1500 में ये आए थे, ठीक है। इसके बाद ये 1501 में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं, और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं चाहिए, है ना। 1503 में क्या होता है कि जो पुर्तगाली होती है इनकी पहली फैक्ट्री लगती है कहाँ पर, कोचीन में लगती है। इसके बाद 1505 में इन्होंने कन्नूर में फैक्ट्री स्थापित किया था, ये भी याद रखिएगा, है ना, दूसरी फैक्ट्री थी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर के भारत भेजा गया था। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक भारत का वायसराय रहा था, पुर्तगाली वायसराय। इसके दो तीन कार्य जो कि याद रखिएगा, सबसे पहला इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया था, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, इसको याद रखिएगा। इसने कार्तस व्यवस्था, फितोरिया व्यवस्था, ये सब जारी किया था। तो हम लोग आगे समझते हैं, देखिए अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। इस प्रकार अल्मेडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। तो देखिए यहाँ पे पहले ही चर्चा किया जा चुका है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे जुड़ा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से जुड़ा है। इसने कार्तस व्यवस्था और फितोरिया व्यवस्था भी प्रारंभ किया था। देखिए यहाँ पे आगे दिया गया, देख यहाँ पे क्या दिया गया, अल्मेडा ने 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसेन सैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र और तुर्की को चोल के समीप युद्ध किया जिसमें वह पराजित हुआ। देखो सीधी सी बात है, बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे फितोरिया के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी आपको समझ में आ चुका है क्या है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया किसने था याद रखिएगा। देखिए कार्तस व्यवस्था क्या होता है, कार्तस व्यवस्था में जो अरब सागर था, अरब सागर में जहाजों से क्या किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। और फितोरिया व्यवस्था ये था कि जो बंदरगाह पर जहाज आते जाते थे उसमें ये टैक्स लेते। अब 1508 ईस्वी में चोल की लड़ाई होती है जिसमें पुर्तगालियों की पहली हार होती है, और 1509 ईस्वी में दीव की लड़ाई होती है जिसमें पुर्तगालियों को विजय प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो ये 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पुर्तगाली वायसराय था। इससे जुड़े क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने, सबसे पहला ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी ये चीज याद रखना है। दूसरा कार्तस व्यवस्था ये याद रखना है। तीसरा फितोरिया व्यवस्था ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद और अगर आगे बढ़ेंगे तो 1508 में चोल की लड़ाई और इसके बाद 1509 में देव की लड़ाई, बस ये इतने से चीज आपको याद रखना है अल्मेडा के बारे में। ठीक, और एक चीज और भी याद रखिएगा, इसके समय में मतलब इसने क्या किया कि जो ये समझिएगा जो हिंद महासागर था उसको पुर्तगाली महासागर के नाम से जाना जाने लगा था, मतलब इसका इतना प्रभाव बढ़ चुका था। अब अल्मेडा के बाद कौन भारत आता है, अल्मेडा के बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आता है। 1509 से लेकर के 1515 तक भारत में रहता है। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बात करेंगे, इसका जो प्रमुख फैक्ट था, देखिए इसमें मतलब इसने क्या क्या किया था, ये दूसरा था, है ना, और इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पे दिया गया कि जो अल्बुकर्क है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान, है ना, यूसुफ आदिल शाह जिसका नाम था, से गोवा जीता था। अब देखिए एक चीज, इसने गोवा जीत लिया, है ना, गोवा इसने खाली जीता था, गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाया था, ये बनाया था नीनू डी कुना ने, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे, है ना। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी, मलक्का, हरमुज इन सब जगह पे क्या करता है, अधिकार कर लेता है ना। देखिए यहाँ पे 1511 में मंडी मलक्का पे अधिकार करता है और 1515 में हरमुज पर भी अधिकार कर लेता है। ठीक, तो ये सब चीज याद रखिएगा। और इसने एक चीज और भी किया था कि जो पुर्तगालियों को प्रेरित किया कि भारतीय महिलाओं से शादी करें ताकि पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाई जा सके। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे यही चीज दिया भी गया कि पुर्तगाली भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, किंतु वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। ठीक, तो अल्बुकर्क से जुड़ी कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी, देखिए सबसे पहले अल्बुकर्क को जो पुर्तगाली शक्ति उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इसने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। 1511 में मंडी मलक्का पर अधिकार किया। 1515 में हरमुज पर अधिकार किया था। भारतीय मतलब जो पुर्तगाली थे उनको प्रेरित किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करें ताकि पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाई जा सके। और 1515 ईस्वी में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नीनू डी कुना के बारे में। देखिए नीनू डी कुना की अगर बात करेंगे तो ये 1529 से लेकर के 1538 तक में भारत में क्या रहा, भारत में वायसराय बना रहा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद नीनू डी कुना प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। देखिए यही जो राजधानी परिवर्तन है ना, गोवा देखिए जीता किसने था, गोवा ये जीता था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, लेकिन गोवा को राजधानी किसने बनाया था पुर्तगालियों का, तो ये बनाया था नीनू डी कुना ने। ठीक, इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। 1534 में इसने बसीन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात शासक बहादुर शाह के बेसिन के विषय में समझौता हो गया, लेकिन वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया।
इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिर करके डूब गए। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आप इसको याद रखिएगा, इसमें कुछ बहुत खास चीजें नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि 1534 ईस्वी में क्या होता है, 1534 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो गयासुद्दीन महमूद शाह था उसने चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दिया था, है ना, ये चीज याद रखिए। गयासुद्दीन महमूद शाह ने 1534 ईस्वी में चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की सलाह दिया था। अब इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया, 1539 ईस्वी में दमन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, उसकी बस्तियों में दीव, दमन, साष्टी, बसई, चोल, बम्बई, सांथोमी, मतलब ये मद्रास के पास है, ये देखिए सैंथोमा या सांथोमी लिखा गया है ना, हुगली, ये सब शामिल है ना। 1538 ईस्वी में अदन पर तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1598 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। 1602 ईस्वी में डचों ने बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया। ठीक, तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।